हेलो स्टूडेंट्स, हेलो साथियों। तो मैं आपके लिए जो है आपकी परीक्षा से लेकर एमपी जी के और जो भी है सामान्य जी के और जो है आपके भारतीय संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एक हर एक परीक्षा में आते हैं वो आपके लिए हर रोज लेके आऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताना है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो हम बता देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा, राणा कुंभा ने बनवाया था। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? ABCD आप पढ़ लीजिएगा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो इसमें से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था ये नारा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है भारत भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो भारत के कौन से राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है, इसका आंसर आप देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जरूर इसका आंसर बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर वी, गुजरात। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो वो गुजरात के पास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन है छठवा, छठवां क्वेश्चन है आपका, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? ये आपका विज्ञान का क्वेश्चन आ चुका है, सभी मिक्स क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, आपकी एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन्हें जरूर ध्यान से देखते रहिए, यानी कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनसे परीक्षा के लिए बहुत ही। तो जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी के परिवहन में। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ पे पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो किसने दिया था, आप ABCD करके वीडियो को थोड़ा सा धीरे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RH हिटेकर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, देखिएगा, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। कौन सा? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नोवा है अपना, ऑप्शन नोवा है, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? किस अम्ल का रिसाव होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक अम्ल का राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। इसमें इटाई 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 नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैडमियम। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच
पहुंचने की थी। आगरा किले का निर्माण खाली जगह ने प्रारंभ करवाया था, किसने प्रारंभ करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने? तो जो है आपका आगरा किले का निर्माण प्रारंभ करवाया था वो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बने हैं। किससे बने हैं? चार में से एक सही ऑप्शन होगा, आपको बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, योग इंडिया के संपादक, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी थे। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश के साथ राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार। क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा, ये परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको जो है जीवन में यदि आपको कुछ संघर्ष करना है तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला, यानी आपके जो मूलभूत अधिकार होते हैं उनका मामला आप सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकते हैं, वो अनुच्छेद 32 के तहत उठा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथियों यहाँ पे जो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्शासीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कोणार्क कर एक सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब इनमें से जो जोड़ी मिलाई गई है वो कौन सी गलत है, सुगमित नहीं है, मतलब इसमें गलत आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा किसान घाट का और राजेंद्र प्रसाद का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया गया है और इसमें युग्म का युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, गायन शैली ख्याल का जन्म किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। कौन सा राग प्रातः काल गाया जाता है? तो कौन सा काल का गाया जाता है? राग भैरवी। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि एनसीईआरटी को फुल फॉर्म में क्या कहेंगे, इसका जो है आपको आंसर देना है। तो एनसीईआरटी का विस्तृत रूप आप ध्यान से देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे आंसर हम दे बताने वाले हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग एजुकेशनल, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद एमआरआई निम्न में से क्या है? एमआरआई क्या है दोस्तों? तो एमआरआई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना का आरंभ हुआ तो ये कब हुआ? गलत, ये कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ अपना अप्रैल 1999 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1999 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्मों की पसंद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने लिया था, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। कौन सी है? एंडीज, ऑप्शन नंबर सी। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमिलित हैं, यानी कि इनमें से जो तीन दिए गए हैं तो इनमें से आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें से एक सही है और तीन और दो गलत हैं, तो कौन सी सही है उसका इसमें राइट आंसर बताना है। तो 28 का ऑप्शन नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा वाला हो जाएगा? डी वाला, एक दो तथा तीन, यानी कि इसका मतलब है पहला और दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। केवल डी वाला सही होता, बी वाला सही होता तो अपन केवल दो दो इसमें तीनों ही सही हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे प्रकाश रासायनिक धूम की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। किसके लिए? ठीक है, अब इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए तो 50 होनी चाहिए,